पर मिसेज समझदार, छोटा सा उनका हो परिवार, खुशियाँ बरसे उनके द्वार, स्वास्थ्य से उज्जवल घर संसार, उज्जवल उज्जवल। आज मैं जा रही हूँ एक और दंपति से मिलने। इस दंपति ने जीने का जो राह चुना है वो खुद में एक मिसाल है। मैं उनसे मिलके जानना चाहती हूँ उनका संघर्ष, उनकी खुशियाँ, उनके सपने और उनकी उम्मीदें। उज्जवल। मेरा नाम रूपा है, इनकी एक छोटी सी दुकान है। हमने शादी होते ही फैसला लिया कि अब इतनी जल्दी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। सबसे पहले हम अपनी जिंदगी संवारेंगे ताकि आने वाले बच्चों की जिंदगी हम भविष्य संवार सकें। मैं हूँ रूप सिंह, रूपा का पति। परेशानी? परेशानी क्यों नहीं हुई, हमारी ज्वाइंट फैमिली है। आप चाचा ताऊ सभी अजीब नजर से देखे। एक दिन तो ताऊ के लड़के ने बोल ही दिया, बच्चे करने में इतनी देरी क्यों कर रहा है। लोगों का क्या, लोग तो बातें बनाते रहते हैं, सारी जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ती है बच्चों की। कम जिम्मेदारी नहीं होती है बच्चों की, सही से पढ़ाया लिखाया नहीं तो कोई फायदा नहीं है बच्चे होने का। शुरू में तो शर्म आती थी दुकान से कंडोम लेते हुए, मगर बेबी का स्वास्थ्य की भी चिंता थी और हम खुद ही बच्चे के लिए तैयार नहीं थे। माँ तो बस चाहती थी कि शादी हो जाए, एकदम बच्चा हो जाए। हमने तो मना कर दिया क्योंकि हम तो खुद ही बच्चे हैं। अभी तो बच्चे होने का कोई सवाल ही नहीं है जब तक 2 साल ना हो जाए। अभी तो हमारे घूमने फिरने के दिन हैं और घर में रूपा पे माँ बाबूजी की जिम्मेदारी भी तो है। इसलिए रूपा और मैंने मिलकर फैसला किया है कि अब हम दोनों कुछ उपाय अपनाएंगे। हमने बहन जी से सलाह लिए हैं, उन्होंने हमें गर्भ निरोधक के कई विकल्प बताए हैं। मैंने और रूपा ने मिलकर फैसला किया है कि अब हम दोनों कंडोम का इस्तेमाल करेंगे। मैं तो खुद दूसरों को बताता हूँ, खुद की तरक्की के लिए और देश की तरक्की के लिए गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग करें। उज्जवल। तो देखा आपने, रूप और रूपा की गृहस्थी कितनी खुशहाल चल रही है, ये एक उदाहरण है, इसीलिए हमने इन्हें रोल मॉडल चुना है। उज्जवल उज्जवल।